भाई फेस्टिविटीज जो हैं वो पूरा साल नहीं चलती हैं, कुछ महीने ऐसे होते हैं जब ज़्यादा फेस्टिवल्स होते हैं। अब देखिए मौसम जब अच्छा होता है, हिंदुस्तान में थोड़ी थोड़ी सर्दी पड़ती है तो सारे फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं और तरह तरह के फेस्टिवल होते हैं। जो फेस्टिवल है आप भी बनाइए, हम भी बनाते हैं। शुरुआत करते हैं एक बेक्ड समोसे से। तो समोसा जो है ये पनीर भुर्जी का समोसा हम बनाएंगे, तो इसके लिए भुर्जी की जरा सी मैं आपके लिए तैयारी कर देता हूँ। और ये जो भुर्जी है ना, नो कुक भुर्जी है, तो ये पनीर है मेरे पास और पनीर को ग्रेट करके, ग्रेट, और ये पनीर बढ़िया इसके अंदर, और फिर इसके साथ साथ ये मेरे पास है भुना मसाला, पैकेट के अंदर मिलता है ये, वो है तो इसको हमने ले लिया। और ये जो भुना मसाला है ना, ये एक्चुअली हमने मखनी भुना मसाला लिया है। और इसके साथ साथ इसके अंदर किशमिश, इसमें काजू, भाई ये जो है ना काजू, फेस्टिवल है ना, और फेस्टिवल में काजू किशमिश वगैरह जो हैं वो पहले ही आनी शुरू हो जाती हैं, काफ़ी सारे डब्बे वगैरह मिठाई के साथ में, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ हरी मिर्चें, नहीं नहीं हरी मिर्च थोड़ी आती है डब्बे के अंदर, कुछ तो आप घर पे भी होगा आपके पास, कुछ तो खरीद के भी लाएंगे, सारी चीज़ें फ्री वाली थोड़ी डालेंगे। तो हरी मिर्च इसके अंदर बारीक कटी हुई, और चाहे तो थोड़ा धनिया वगैरह भी डाल सकते हैं। और इसके बाद जैसे मैंने कहा कि नो कुक, क्योंकि कुकिंग जो है वो भुना मसाला में पहले से अपने आप हुई हुई है, और काजू किशमिश हरी मिर्च डाल के ये पनीर के साथ में इसकी स्टफिंग हमने तैयार कर ली। तो इसके बाद अब समोसे जो हैं बनाने बहुत ही आसान, क्योंकि ये तो आधा काम तो ये हो ही गया है आपका, और अब जो बाकी आधा काम है वो है इसका डो बना के फिर इसकी स्टफिंग को ये भरना। तो ये जो अब काम हम करते हैं वो ले लेते हैं डो। ये जो डो है ये मैंने क्या किया है पता है, मैदा गूंदा हुआ है मैंने, इसके अंदर थोड़े सा अजवाइन, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा टेस्ट के लिए थोड़ा नमक, और मैदा लेके उसके अंदर थोड़ा घी या तेल डाल के मोन जिसको बोलते हैं ना, उससे खस्ता बनता है, फ्राई नहीं कर रहे लेकिन ये खस्ता बनाने के लिए थोड़ा सा डालना पड़ेगा। तो ये ले लिया, और इसके बाद इसे बेलेंगे। तो ये बेलने के लिए ये जो इसका मैदा है ना, इसको थोड़ा सा आपने सख्त गूंदना है, वो बहुत ज़रूरी है। जब आप बनाते हैं ना समोसे तो आप इसको एकदम कड़ा गूंदें, पूड़ी बनाते हैं तो नॉर्मल चपाती से थोड़ा सा कड़ा, भटूरे बनाते हैं तो सॉफ्ट, नान बनाना है तो सॉफ्ट, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। चलिए ये हो गया, अब इसको बेल लेते हैं। जैसे बताया कि कड़ा है तो थोड़ी मेहनत तो लगेगी लेकिन तभी बढ़िया बनते हैं समोसे। अच्छा इसे गोल नहीं पूरा बेलना, ये देखिए मैं इसे थोड़ा सा लंबा बेल रहा हूँ, ये बेल लिया इस तरह से इवन, थोड़ा पतला, और ये देखिए जीरा और इसके साथ साथ ये जो अजवाइन है, वाह ये तैयार। और इसके बाद इसे बीच में से इस तरह से काट लेना है, काट के रख लिया। अब क्या करना है, अब इसमें समोसे बनाए जाएंगे। समोसे बनाने के लिए पानी में समोसे तलेंगे, नहीं नहीं ये तलने के लिए नहीं, ये बंद करने के लिए, सील करने के लिए। तो ये जो समोसे हैं ये जहां से काटा है ना, इस उंगली के पैरेलल इसको रखें, और फिर ये किनारे पे इसके पानी लगा दिया, ये लग गया पानी, और अब यहां से इसको पकड़ें, और अब इसको कोन शेप में बनाना है। कौन सी शेप, कोन शेप, ये लिया किनारे से, ये देखिए कुछ इस तरह से सील करना है, बंद करना है। ये बंद करने के बाद ये जो हमारे पास है समोसा, बढ़िया सा इसके अंदर ये डाल दिया, एक बार फिर थोड़ा सा पानी कम ना पड़ जाए, किनारे पे यहाँ पे लगाया, और यहाँ से ये जो लाइन है इसके ऑपोजिट आप जरा एक यहाँ पे फोल्ड दे दें, ये देखिए, और अब इसको बंद कर दें, ये समोसा सील, ये जो है परफेक्ट समोसा, और ये समोसा
इस तरह से बना के रख लें। इसमें मैं एक और काम करने वाला हूँ कि ये जो इसमें तेल में मैं फ्राई नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा सा तेल इस पर लगा रहा हूँ, ये इसलिए ताकि ये पेंट कर रहा हूँ एक तरह से तेल, ताकि ऐसा नहीं लगे कि ये तले नहीं हुए हैं, मतलब दिखने भी अच्छे चाहिए और तेल भी एकदम कम। और थोड़ा सा तेल इस पर भी मैं लगा देता हूँ। और अब जो समोसे हैं ये रख देते हैं हम इसके अंदर एयर फ्राई करने के लिए, पनीर भुर्जी के समोसे। और इसे भाई समोसे कैसे तेज़ आंच में नहीं तलते ना, 160 डिग्री पे करीब 10 से 12 मिनट तक, देखते हैं क्या हाल होता है। बीच में एक बार देख भी लेंगे, ऐसा नहीं कि ज़्यादा ना हो जाए, मतलब समोसे जो हैं वो कच्चे नहीं रहने चाहिए, लेकिन लाल जलाएंगे भी नहीं हम और तल नहीं रहे हैं, एयर फ्राई कर रहे हैं। अगर एयर फ्रायर आपके पास नहीं है तो आप इसको अवन में, कन्वेक्शन अवन के अंदर, माइक्रोवेव में नहीं, कन्वेक्शन मोड में इसको बेक करें 160 डिग्री सेल्सियस पे। आपको करीब 15 मिनट लगेंगे। जब भी कोई आए, अतिथि देवो भव, अब देवता के लिए बेक समोसे।